नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भारत हाई कमीशन के सामने, और जो इशू है जिसके ऊपर हम सभी एकत्रित हुए हैं वो एक बहुत ही गहन गंभीर इशू है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में सारी संसाधनों को, सारी संस्थाओं को एक तरीके से तोड़ा जा रहा है सिर्फ एक आदमी के चंदे के चक्कर में। एक आदमी के चक्कर में पूरे देश की जितनी संस्थाएँ थी उनको बर्बाद करके रख दिया जाता है। CBI कल तक जिसको हम बोलते थे कि जो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट कराएगी, बड़े बड़े लोग उससे डरते थे, आज खुद एक दूसरे को काटने को दौड़ रही है। और ये देश की स्थिति सिर्फ CBI के द्वारा CBI तक सीमित नहीं है। हम जुडिशरी में देख रहे हैं, जुडिशरी का आधा हिस्सा बाहर आ रहा है, मीडिया से गुहार लगा रहा है कि हमें बचाइए, हमें पावर दीजिए, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो CBI है वो एक दूसरे को, जो लोगों से टेररिस्ट आतंकवादियों और क्रिमिनलों से बचाने का जिसका काम था CBI का, जो विजय माल्या को जिसको पकड़ना चाहिए था, वो आज एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में लगी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पर आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि भारत सरकार से हमारी गुहार है कि कम से कम जो ये छोटे छोटे इशू हैं उनको सॉल्व करा जाए, ताकि जो देश के अंदर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है उसका खुलासा हो और वो सभी के सामने आए। यही हमारी भारत सरकार से यहाँ पर गुहार रहेगी। जय हिंद, जय भारत।